हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल टेक माइंड रवि पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जनरली टेक्निकल वीडियो बनाता हूं, तो इसी के बेस पे आज एक अपना नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों जी हाँ, एक्चुअली आपने सुने होंगे कि दोस्तों अभी एक जो कार आ रही है, जो नई न्यू लॉन्च होने वाली है, वो है मारुति का जो बेलेनो जो है, ये लॉन्च होने वाली है। और इनके जो क्या क्या फीचर्स है, ये सारे के बारे में मेरा आज का ये वीडियो रहेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि नेक्सा का जो बेलेनो है, कैसे काफ़ी वैसे मार्केट में जो है वो अपना एक इमेज बना के रखी हुई है, और जो सेल्स रेशियो भी काफ़ी उनका अदर कार की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा था। तो दोस्तों अभी का जो नया 2022 का जो न्यू जनरेशन बेलेनो आ रहा है, उस पर क्या क्या वो चेंजेस होगी और क्या क्या जो अट्रैक्शन पॉइंट है उस कार के बारे में, उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप भी जान पाएंगे कि वो क्या क्या जो मेजर चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि नेक्सा की जो बेलेनो आ रही है 2022 का, उसमें जो न्यू जनरेशन बेलेनो, इसको मान सकते हैं दोस्तों। और इस पर जो मेजर चेंजेस ये है कि इसका जो सबसे पहले अगर आउटर बॉडी पे जाते हैं, तो जो आउटर डिज़ाइन होगी दोस्तों, ये लिक्विड फ्लो डिज़ाइन होगी। मतलब यह कि दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है, एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इस पे अगर आप वाटर ड्रॉपलेट या वाटर जो आती है, वहाँ पर सारे जो है वो क्या हो जाते हैं, नीचे ड्रेन हो जाता है। मतलब इस पे ऐसा दोस्तों, इसको एक लिक्विड फ्लो डिज़ाइन दिया हुआ है। और साथ ही साथ में इसका जो हेडलैम्प की बात करें, तो इस पे नेक्सा का जो सिग्नेचर हेडलैम्प है, ये दिया हुआ है। मतलब ये हेडलैम्प काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस पे जो प्रोजेक्टर के साथ में जो DRL का कॉम्बिनेशन दिया, काफ़ी सुंदर लगता है। डिवाइडेड पार्ट पर दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। और साथ ही साथ में दोस्तों इस पे जो लिक्विड फ्लो डिज़ाइन तो है ही। तो दोस्तों अभी इसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे अगर बात किया जाए, तो ये हर्टिक डिज़ाइन दिया हुआ है। मतलब यह दोस्तों कि कहीं अगर ये गाड़ी जो है डेस होती है, तो उस पर ऐसा इसका डिज़ाइन किया गया है कि ये कम से कम उस पर क्या है, डैमेज होने वाली। तो दोस्तों इसके और आगे चेंजेस के बारे में जानते हैं, तो इस पे जो टिंटेड पावर विंडो दिया हुआ है, टिंटेड पावर विंडो का मतलब यह होता है दोस्तों कि इस पे 85% विजिबिलिटी होगी। मतलब यह कि ये जो है हमको प्रोटेक्ट करेगा जो भी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होते हैं इन चीज़ों से। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सोच समझ कर इन चीज़ों को जो है इस पे चेंजेस किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ और हम चलते हैं दोस्तों, तो इनके बेक लाइट की ओर चलते हैं। तो बेक लाइट पे जो दिया हुआ है, जैसे कि उस पर भी चेंजेस किया गया है। जो सिंगल जो बेक लाइट होता था, अभी इनके क्वार्टर पैनल के साथ में डिक्की पे भी मतलब ये चेंजेस की गई है, उस पर भी एक ऐड किया गया है। और इसके साथ इनके जो अलॉय व्हील्स है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिया हुआ है दोस्तों, पहले के कंपेयर में जो डुअल टोन दिया हुआ है, और काफ़ी ये अट्रैक्टिव अलॉय जो है, अलॉय व्हील दिया हुआ है। और साथ ही साथ में इस पर और कुछ चेंजेस ये है कि HUD दिया हुआ है, मतलब हेड्स अप डिस्प्ले। अगर आप कहीं पर कार ड्राइव करते हैं, तो दोस्तों इस पर जो यहाँ पर क्लस्टर पैनल होता है, वहाँ डिस्प्ले होती है, उनके जस्ट ऊपर में एक HUD दिया हुआ है। मतलब इसके साथ आप अगर कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको क्लस्टर पैनल ना देख के सीधा आप डिस्प्ले पे जो है, वहाँ पर दिया हुआ है हेड्स अप डिस्प्ले, उस पर आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं और वहीं से सारे जो इन्फॉर्मेशन है उस पर जान सकते हैं कि उन पर कितना फ्यूल क्या है, रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें उन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे इस पर SVS दिया हुआ है, इस पर मतलब यह कि सराउंडिंग व्यू सिस्टम दिया हुआ है। ये इस पर नया आया हुआ है दोस्तों अभी मारुति की गाड़ियों पर। और इसका मेन बेनिफिट यह है कि दोस्तों ये 360 डिग्री जो कैमरा बोलते हैं, ये इस पर लगी हुई है, जो काफ़ी चेंजेस है और लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है। क्योंकि इस पर अगर आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, तो आपके चारों ओर का जो सराउंडिंग का है वो व्यू आपको दिखेगी। इसके वजह से क्या है कि आप अगर कार को पार्किंग करते हैं, तो ये काफ़ी आपको सहूलियत होगी और आप बेझिझक गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही और जो चेंजेस है, ये है कि डिस्प्ले जो इसका दिया हुआ है, वो 9 इंचेस का डिस्प्ले दिया हुआ है। पहले 7 इंचेस का जो डिस्प्ले होती थी, ये इस पर दिया गया था। आगे इनकी साउंड सिस्टम की ओर चलते हैं, तो ये आर्किमिडीज का जो प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया हुआ है, ये पहले के बेलेनो के कंपेयर में काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो काफ़ी लग्जरियस हमको साउंड पे देने वाली है। और ये फील कराएगी दोस्तों, जित साउंड क्वालिटी होगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। इस पर अलग अलग चेंजेस करने का मोड भी दिया हुआ है, तो ये जो प्रीमियम साउंड क्वालिटी जो है, इस पर आपको मिलने वाली है। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए, इस पर
जो सुजुकी कनेक्ट न्यू जनरेशन का दिया हुआ है, सुजुकी कनेक्ट का भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। तो खास सुजुकी कनेक्ट के लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि सुजुकी कनेक्ट अगर आप एक्टिवेट कराते हैं तो इस पर काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें आपको बैटरी का जो परफॉर्मेंस है, ड्राइविंग बिहेवियर्स है, फ्यूल का कंजम्पशन है, स्पीड है, ये सारी की जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी जो है कोई भी ड्राइव कर रहे हैं तो आप सुजुकी कनेक्ट से सारे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे आपकी कार जो है वो मिसयूज़ नहीं होगी। तो ये भी एक काफ़ी इस पर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हुआ है। अब इसके साथ में कुछ है, इसके मैकेनिकल और पार्ट जो है वो चेंजेस हुए हैं दोस्तों। तो मेजर जो चेंजेस हुआ है अगर देखा जाए इस पर, तो ये सारा चीज़ें हैं जो मेजर चेंजेस इन बैलेनो पे दिया हुआ है, जो हमको नेक्स्ट जनरेशन जो बैलेनो है इनका जो एक्चुअल कंफर्ट है वो हमको फील कराती है। जिस जैसे कि मैंने सारी चीज़ें बताया हुआ है, नेक्सा सिग्नेचर हेडलैम्प है, जो लिक्विड फ्लो डिज़ाइन है इसका, और इनके सेफ्टी के लिए जो खास दिया हुआ है वो 6 एयर बैग है दोस्तों। मतलब अभी तक की गाड़ियों पर जो है एयर बैग जो है कम होती थी, जो अभी इस पर 6 एयर बैग जो आपको देने वाली है। तो आप को ये इनका जो सेफ्टी रेटिंग अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाला है इस गाड़ी पे, और आप बेझिझक गाड़ी को चला सकते हैं दोस्तों, और एक सेफ जो है आप फील कर सकते हैं इसके साथ ही साथ। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स पे इनके जाते हैं, तो मैकेनिकल फैक्टर्स पे दोस्तों जैसे कि आपको क्लच को क्लच केबल के जगह हाइड्रोलिक क्लच दिया हुआ है, जो पावर का जो कंप्रेशन रेशियो है उसको बढ़ाया गया है दोस्तों, और VVT का जो डुअल कैम है ये दिया हुआ है। अगर हम इसके ब्रेक पे बात किया जाए तो ब्रेक पे भी काफ़ी चेंजेस किया गया है दोस्तों, जिसमें कैलिपर का पिन और जो पीछे का जो ब्रेक का ड्रम है उस पर चेंजेस किया गया है, जिसका डाया का चेंजेस किया गया है। इसके थ्रू आपको जो ब्रेक का जो वियर होने का टाइमिंग है ब्रेक पेड या ब्रेक शू का, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम पे ब्रेक पेड ब्रेक शू वियर होने वाली है, तो ये आपको एक सेविंग हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें, तो सस्पेंशन पे भी कुछ चेंजेस किया गया है, जिससे आपको एक लग्जरियस फील होगा बाकी बैलेनो के कंपेयर पे, जो पहले की बैलेनो है उसके कंपेयर में। और इसके साथ इसके स्टेयरिंग व्हील को देखा जाए दोस्तों, तो पहले की जो बैलेनो होती थी उस पर जो सर्कुलर डिज़ाइन दिया हुआ है, इस पर थोड़ा सा फ्लैट दिया हुआ है, जो आपको ड्राइविंग के लिए काफ़ी कम्फर्ट फील होने वाला है। तो दोस्तों और इसके कलर की देखा जाए, तो कलर जो है इस पर 6 कलर दिया गया है, और वेरिएंट जो है वो 4 वेरिएंट पे आने वाली है। मतलब यह दोस्तों कि पहले के जो कलर होती थी उनमें थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस हो, ये तो अब आने के बाद ही पता चलेगा। और जो वेरिएंट है वो सेम है दोस्तों, सिग्मा डेल्टा जेटा और अल्फ़ा होता है, जिसमें कि अल्फ़ा जो है टॉप मॉडल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारी जो है और लेने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि नई नई जो टेक्निकल और चेंजेस जो जानकारी होती है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।